नौकरी छोड़ दी आपने, इस तरह की शुरुआत किया आपने, इसमें संतुष्ट है? नौकरी से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं? जी नौकरी से बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत संतुष्ट है इसमें मैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे युवा उद्यमी से, एक युवा बिजनेसमैन से आपको मिलवाने वाला हूं जो पहले जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके एक छोटा सा फ्रेंचाइजी लेके बड़े ब्रांड के साथ जुड़ के बढ़िया पैसा कमा रहे हैं और एक छोटे से मार्केट में हम लोग हैं और यहाँ पे सूरत के रेट में, फैक्ट्रियों के रेट में साड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह का अगर आप भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बाकी इन्होंने कैसे शुरुआत किया और कौन कौन सी सुविधा दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग अभी हैं गया के डोभी में, एक छोटा सा मार्केट है और यहाँ पे अजमेरा फैशन का, सूरत का बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है अजमेरा फैशन, साड़ियों का निर्माता कंपनी है और इस कंपनी का बहुत कम लागत में, मात्र 1.5 लाख में, 1,70,000 में इसका फ्रेंचाइजी मिला, मात्र 1,70,000 में इस ब्रांड का फ्रेंचाइजी की शुरुआत करके ये सारी सुविधा जो साड़ियों की फैक्ट्री वाले रेट में एक छोटे से मार्केट में साड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मात्र 150 रुपए से साड़ी स्टार्ट हो जाती है, मात्र 150 रुपए में छोटे से मार्केट में साड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। नौकरी छोड़ दिया आपने, नौकरी में कितना कमा रहे थे, क्या सैलरी था आपका? नौकरी में सैलरी 25 से 30 हजार रुपए सैलरी था, 25 से 30 हजार रुपए सैलरी था। रांची रहते थे आप, जैसे आपने बताया कि रांची में रहकर जॉब कर रहे थे, नौकरी छोड़ दिया आपने, इस तरह की शुरुआत किया आपने, इसमें संतुष्ट है? नौकरी से ज्यादा पैसा कमा पाते हैं? जी नौकरी से बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत संतुष्ट है इसमें। आपको अपने बिजनेस में और नौकरी में क्या डिफरेंस लगा? देखिए आप, अपना बिजनेस जो है वो अपना होता है, इसमें बंधा हुआ आपको नहीं रहना पड़ेगा, जब मन चाहे तो आप दुकान खोले, दुकान पे आए बैठे काम किए चले गए। बहुत ज्यादा वो तो स्टाफ रख लिया, स्टाफ आपका सारा कुछ देख रहा है, आप 24 घंटा फ्री रह सकते हैं। और किस तरह की साड़ियाँ, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करती है कंपनी यहाँ पे? और देखिए प्रिंटेड साड़ी है, ये आपका सब प्रिंटेड हो गया, ये साड़ी प्रिंटेड है, ये आपका सिल्क में हो गया, ये आपका नेट में हो गया, नेट में सबसे सस्ता साड़ी है, मात्र 230 रुपए का नेट साड़ी है, क्योंकि 230 में साड़ी पूरे मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा। ये कॉटन साड़ी हो गया, ये कितने से स्टार्टिंग है? ये आपका 175 से स्टार्ट है कॉटन साड़ी, ये हो गया, देखिए ये देखिए लोकल में लोगों का डिमांड कैसा है? जैसे आप फैक्ट्री के रेट में दे रहे हैं, फैक्ट्री से सीधे आप इस तरह की ब्रांडेड चीजें आप यहाँ पे उपलब्ध कराएं छोटे से मार्केट में, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, जो भी कस्टमर एक बार आए हैं 2 बार 3 बार जरूर आ चुके हैं, मात्र दो महीना में ही। देखिए इस तरह के बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, तो रिपीटेड कस्टमर है कि नहीं आपके पास, मतलब एक बार जो जाता है दोबारा आता है कि नहीं? बताए तो मात्र 2 महीना में एक एक कस्टमर जो है 3 से 4 बार आ चुके हैं मेरे पास। शादी ब्याह में लोग पैकेज के लिए आते हैं कि भाई हमें सारा पैकेज दे दीजिए, जो लेने देने के लिए, चढ़ाने के लिए, इस तरह दिखाएंगे, उधर ब्राइडल साड़ियां दिखाएंगे, इस तरह के बॉक्स में पैकिंग, हमको नहीं लगता कि लोकल में इस तरह की साड़ियां होगी। यहाँ के लोग बाहर जाते होंगे इस तरह की खरीदारी करने के लिए, पहले लोग यहाँ से गया जाते थे खरीदारी करने के लिए, अब लोग सीधे मेरे पास आ रहे हैं, उनको गया जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है। अच्छा, इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ा, कुछ ज्यादा मेहनत, भाग दौड़ या कुछ ज्यादा? कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ फोन पे बात किए और फोन पे बात करने के बाद वो बुलाए मेरे को वहाँ पे, हम गए, उससे पहले उनका स्टाफ यहाँ पे आया, स्टाफ आने के बाद सारा कुछ विजिट किया, और विजिट करने के बाद वो सारा चीज देखने समझने के बाद फिर वो यहाँ से गए, बोले कि हाँ यहाँ पे अजमेरा फ्रेंचाइजी चल सकता है। फिर हम गए उनके फैक्ट्री को भी किए, उनका जो जहाँ पे साड़ी वगैरह बनती है वहाँ पे हम विजिट किए, सारा कुछ बढ़िया है, वो लोग समझाते भी बहुत बढ़िया से हैं। फिर यहाँ पे सब कुछ ओपन होने से पहले आपको बुला के ट्रेनिंग दिया गया वहाँ पे? सब कुछ ओपन होने से पहले बुलाया, बुलाने के बाद ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हुआ वहाँ पे, और तब फिर यहाँ पे फ्रेंचाइजी का शॉप ओपन हुआ। अच्छा, ओपनिंग में भी सारा स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ पे,